नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। योगी आदित्यनाथ यूपी की दूसरी बार कमान संभालने के बाद एक्शन में आ गए हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य के सरकारी विभागों में रिक्त पदों की भर्ती की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री की सोच के अनुरूप नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आकार ले रहा है और इस कार्य को और गति दी जाए। यही नहीं, यूपी सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी का तोहफा देने के लिए सरकारी महकमों में विभागवार भर्ती अभियान चलाएगी। वहीं सीएम योगी ने सभी विभागों को रिक्तियों की सूची तैयार करने का आदेश दिया है। इसके अलावा सीएम योगी ने अधिकारियों को भर्ती में ईमानदारी और शुचिता को प्राथमिकता पर रखने का निर्देश दिया है ताकि क्षमतावान युवाओं को नौकरी मिल सके। आपको बता दें कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल में 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई थी। इसके अलावा भर्ती प्रक्रिया को बिना भेदभाव और भ्रष्टाचार के पूरा किए जाने का दावा किया था। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान युवाओं की बेरोजगारी का मुद्दा विपक्ष ने पूरे जोर शोर से उठाते हुए दावा किया था कि सरकारी विभाग में 11 लाख पद खाली पड़े हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।